तुम्हारी मर्जी। मैं तो सिर्फ इसलिए इसरार कर रहा था कि लोग ये ना बोलें कि शोभी बड़ा ही दबंग शौहर बना है। भैया क्या है ना कि मेरे को ऐसी बदनामी वाला शौहर नहीं बनना। बट वो है जो औरत के बाद बिना कुछ कहे समझ जाए। सारे पर्चे दूंगा इतना टाइम लग। अच्छे लग रहे हो। थैंक्स। तैयबा को भी साथ ले आते हैं। मैंने तो बोला था, वो बोली नहीं। आप टेंशन ना लो, वो वहां बिल्कुल सेट है। मम्मी बहुत ख्याल करती है उसका। बच्चों के बाद वापस जाऊंगा तो आप भी साथ चलना। ऐसे दुल्हन चची, परचों से याद आया, मैं तो परचों का सोच के बहुत घबरा रही हूँ। घबरा रहा हूँ? हाँ वही। घबराने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अगर मैं फेल हो गया तो दोबारा पर्चे दे देना। तो मेरी शादी भी हो गई है, फेल होते हुए अच्छा थोड़ी लगूंगा। तो फिर दिल लगा कर पढ़ाई करना ना। मेरे दिल का क्या है, कहीं भी लग जाता है। होना तो दूसरों का ही है, उनका नहीं लगता हमारे साथ। अच्छा तुम बैठो, मैं खाना लाती हूँ तुम्हारे लिए।